प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संग धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 12 मार्च 2020 प्रातःकाल की बेला उज्जैन आश्रम पर अपने लोगों ने अभी सुमिरन ध्यान भजन किया, भारी संख्या में जब एक साथ बैठ करके ध्यान भजन करने का मौका मिलता है तो उसको बड़ा सौभाग्य माना जाता है, क्योंकि बहुत कुछ मन इससे मरता है। साथ बैठने पर प्रतिबंध रहता है, जैसे घर में लड़का पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उठ गया, घूमने लग गया, घर में घूमने लग गया, इधर बाहर चला गया, खाने पीने लग गया। लेकिन स्कूल में जब एक घंटा बैठना है क्लास में तो बैठना ही बैठना है, उठ के नहीं जा सकता। अंकुश जरूरी होता है, अगर अंकुश न हो तो हाथी ठीक से चल नहीं सकता है, कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन एक छोटा सा लोहा लेकर के जब उसके ऊपर पहलवान बैठ जाता है, जिधर चाहता उधर घूमता है। तो अंकुश बहुत जरूरी होता है, नियम बनाना, नियम से चलना, नियम का पालन, ये बहुत आवश्यक होता है। जिस घर में नियम नहीं है, जिस घर में संयम नहीं है, जिस घर में अनुशासन नहीं है, उसी घर के लड़के बिगड़ते हैं, परिवार के लोग तितर बितर हो जाते हैं। इसलिए पहले नियम का पालन बहुत करते थे लोग, घर का नियम, गांव का नियम, बिरादरी समाज का नियम अहम समझो बनाया गया कि ठीक से व्यवस्था चले, देश का नियम बनाया गया कि व्यवस्था ठीक से चले, असुविधा ना हो किसी को। अभी आप देखो दुर्घटनाएं होती हैं नियम का न पालन करने की वजह से ही होती हैं। कहते हैं गाड़ी लड़ गई, इतने आदमी मर गए, पता करो कैसे हुआ, तो कहते हैं रॉन्ग साइड जा रहा था, बाएं चलने के बजाय दाहिने जा रहा था, दाहिने आ रहा था, इसलिए गाड़ी टकरा गई, लड़ गई। इसलिए नियम और संयम और अनुशासन ये बहुत जरूरी है। गुरु महाराज ने यही सब सिखाया और आप प्रेमियों को भी सीखना चाहिए, और जो लोग सीख गए हैं और कहीं भी जाते हैं, चाहे सेवा करने के लिए हो, चाहे प्रवचन करने के लिए हो, चाहे किसी से मिलने जुलने के लिए हो, तो लोग ये कहते हैं कि बाबा जी के आदमी
बहुत अनुशासित हैं, पूरा नियम कानून का पालन करते हैं। बगैर टिकट कोई नहीं चलता है, सब टिकट देकर जाते हैं, टिकट लेकर जाते हैं, पैसा किसी दुकानदार का नहीं हड़पते हैं, पैसा पहले देते हैं, सामान बाद में लेते हैं। इससे गुरु की छवि बनी रहती है, नहीं तो आप समझो छवि खराब होती है, नाम खराब होता है। इसलिए इस चीज़ को आप सब लोगों को याद रखना है, लोगों को बताना भी है। आप समझो मौत बिक्री पाहुना पड़े अचानक ढाए, यानी आप ये समझो कि बिक्री के लिए कब कौन आ जाए, सामान खरीदने के लिए ग्राहक कब आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। दुकानों पर देखो कभी बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, दुकानदार ग्राहकों को संभाल नहीं पाता है, वो कभी खाली बैठा रहता है, तो कब ग्राहक आ जाए कोई ठिकाना नहीं। और पाहुना का मतलब मेहमान, अतिथि जिसको कहते हो, कब घर पर आ जाए कोई ठिकाना नहीं है, कुछ पता नहीं है। और मौत कब आ जाए इसका भी कोई पता नहीं है। अब आदमी अगर मौत को याद रखे तो नशे से दूर रहेगा। नशा किसको कहते हैं, आप समझो कि जिसमें अन्य चीज़ों को लोग भूलने लगता है, एक ही तरफ उसका दिमाग चला जाता है। तो आप समझो कि नशा चाहे खाने का हो, चाहे पहनने का हो, और चाहे दुनिया की चीज़ों को पाने का हो, धन कमाने का हो, प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने का हो, एक नशा हो जाता है। तो नशे में आदमी होश में नहीं रहता है। कुछ नशे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल मदहोश कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता कहाँ पड़े हैं, किस हालत में हैं। ऐसे बहुत तेज नशे होते हैं। आप देखो यह जो भांग है, गांजा है, शराब है, अफीम कोकीन है, हीरोइन जिसको कहते हैं, इसका सेवन जब कोई कर लेता है तो उसको कुछ होश नहीं रहता है। बाकी नशों में तो होश रहता है, बाकी नशा अन्य अगर कर भी ले, यहाँ तक कि अन्न का भी नशा होता है, फल फूल का भी नशा होता है, आप समझो कि घूमने का भी नशा होता है। अब ये नशे ऐसे हैं कि जो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, इसमें दिल दिमाग ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, लेकिन जो तेज नशे हैं, शराब गांजा भांग का जो नशा है, फीम का नशा है, इसमें आदमी होश में नहीं रह जाता है, बुद्धि अन्य समय लोग की भ्रष्ट हो जाती है, चित्त चिंतन नहीं कर सकता। तो इसीलिए मना किया गया कि भाई उस नशे में, तेज नशे में तो पढ़ना मत, नहीं तो किया कराया सब खत्म हो जाएगा। अब तो शराब पिला पिला करके जमीन जायदाद तक लिखा ले रहे हैं, सादे कागज पर लोग दस्तखत करा ले रहे हैं, किसी से कह भी नहीं सकता कि शराब के नशे में ऐसा कर दिया। तो आप इस बात को समझो कि वैसे तो नशा जो परमार्थी हैं, साधक हैं, उनको नशे में फंसना ही नहीं चाहिए। अब आप समझो कि एक बार बम्बई प्रचार में गया था, बहुत पहले की बात है, तो गाड़ी में बैठा जा रहा था, एक आदमी स्कूटर पर बगल में चल रहा था, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, मेरी गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, वो किनारे से जा रहा था,
ऐसे हाथ करिए, ऐसे, और फिर ऐसे हाथ, ऐसे, फिर हिलाओ, ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे करें। तो हमने कहा कि यह क्या कर रहा है। जो बंबई के प्रेमी बैठे थे उसमें, उनसे पूछा यह क्या कर रहा है। बोले कुछ जमीन जायदाद बेच रहा है, या तो दुकान पर कोई ग्राहक को समझा रहा है, तारीफ कर रहा है किसी चीज़ का, फिर कह रहा नहीं इतने में नहीं देंगे। तो हमने कहा अच्छा। बोले यहाँ ऐसे ही होश में नहीं रहते हैं, चलते सड़क पर हैं और दिमाग कहीं और रहता है, दिमाग चलता रहता है, होश में नहीं रहते हैं, तो वह भी एक मदहोशी है। अब कहा गया कि होश में रहो, परमार्थी को होश में रहना चाहिए, जोश में नहीं आना चाहिए, जोश में होश को नहीं खोना चाहिए। परमार्थ और परमार्थी के तो बहुत ही यानी समझो परमार्थी के लक्षण बहुत होते हैं, अलग होते हैं। तो आप ये समझो मुख्य रूप से कि यह नशा कब नहीं चढ़ेगा, जब मौत को सामने रखोगे। मौत जब सामने दिखाई पड़ेगा तब इस चीज को सोचोगे कि भाई नशे में हम क्यों डूबे, मौत तो आनी आनी है, मेहनत और ईमानदारी के कमाई की जाए, धन दौलत इधर उधर से लूट मार करके, छीन करके, झपट करके, धोखा दे करके, झूठ बोल करके क्यों लाया जाए, ठगी करके क्यों लाया जाए, इन सब चीज़ों का ज्ञान रहेगा। और नहीं तो इन दुनिया का नशा जब चढ़ता है तब आदमी अपने मौत को भूल जाता है। एक राजा था तो उसको रोग हो गया, महात्मा जी के पास जाया करता था, दुख तकलीफ लेकर लोग जाते ही हैं, दया करते हैं, निमित्त मात्र कोई दया भी, कोई जड़ी बूटी दवा भी बता देते हैं, अब दया कर देते हैं, लोगों को फायदा हो जाता है। तो राजा गया, कहा महाराज हमको यह रोग हो गया, न मर्दी हो गई, नपुंसकता हो गई, तो महाराज अब इसकी दवा, मेरा दवा तो देंगे तुमको, लेकिन आज नहीं, कल देंगे। सुबह गए जंगल से जड़ी ले आए, बूटी ले आए, और सिर पर पीसे, सिर बट्टे से उसको बटे और 3 गिलास पानी में घोले। तो 1 गिलास राजा को पिलाया और 2 गिलास महात्मा जी खुद पी गए। तो कुछ दवा का बड़ा असर हुआ, तो राजा तो महसूस करने लगा, दवा थोड़ी देर पीने के बाद ही आदेश लेकर चल भी पड़ा। लेकिन जब कुछ दूर गया तो कहा कि इसका असर खत्म न हो जाए, इसलिए लंबे समय तक असर रहे, या असर खत्म हो जाए तो हम फिर पी लें, ऐसी जड़ी मांग ली जाए, पूछ लिया जाए कौन सी जड़ी है क्या है। लौट करके वापस आया, कहा महाराज जी इसका नशा खत्म ना हो जाए तो या तो दवा दे दो या तो थोड़ा और पिला दो, डोज बढ़ा दो। तो बोले अच्छा, फिर गए जब तो जड़ी लाए और फिर बटे, 6 गिलास बनाया, तो 4 गिलास तो खुद पी गए और 2 गिलास राजा को पिला दिया। राजा चला गया और रात भर परेशान रहा, इतना कामातुर रहा कि उसी से परेशान रहा। सुबह जब उठा तब उसने सोचा कि भाई
मैं तो इतने रानियों से संतुष्ट नहीं हुआ, मैं तो इतना पागल जैसा रहा, और उनका क्या हाल हुआ होगा जो दिन रात यानी जो 6 गिलास पी गए, महात्मा का क्या हाल हुआ होगा। तो महात्मा योगी नहीं है, ये सिद्ध तो लग रहे हैं लेकिन योगी नहीं है, ये तो भोगी हैं। और महात्मा जो अन्य समाज से एक तरह से अलग हो जाते हैं, गृहस्थी से अलग हो जाते हैं, उनकी वेशभूषा यानी जो वस्त्र कपड़ा पहनते हैं, रहना देना ये सब अलग हो जाता है, और ये यानी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, इनकी इज्जत होती है, स्थान ऊंचा होता है। और ये अगर भ्रष्ट निकल जाए, ये अगर चरित्रहीन निकल जाए, तो हमारा राज्य कलंकित हो जाएगा। इसलिए अभी हम चलते हैं, उनसे पूछते हैं, सारा हिसाब लेते हैं इनका, और फिर जैसे और लोगों को सजा मिलती है उससे ज़्यादा सजा इनको देते हैं। यही सोच करके राजा चल पड़ा, गया आश्रम पर। अब महात्मा जी के ऊपर बरस पड़ा, क्रोध में तो अंदर अंदर था ही, महात्मा जी चुपचाप सुनते रहे। कहा गया ना कि और कोई आग हो तो आप हो पानी, अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, और थोड़ी देर के बाद क्रोध जब खत्म हो जाएगा तो खुद उसको ज्ञान होगा कि हम क्या क्या बोल गए, गलत बोले, सही बोले, नहीं बोलना चाहिए, ज्ञान होता है, उसके बाद ज्ञान होता है। आप समझो कि जब यह बोल करके चुप हो गए राजा, तब महात्मा जी बोले, मुझसे बड़ी गलती हो गई। राजा बोला, उसी गलती को तो पूछ रहा हूँ, हमको तो लग रहा है एक बार गलती नहीं हुई, बहुत बार तुमने गलती किया होगा, बराबर इसको पीते रहे होगे दवा को, और पी पी करके गलती करते रहे होगे। बोला, नहीं, कभी जीवन में गलती नहीं किया, एक बार गलती हुई, और वो भी मेरे से कल गलती हुई। बोले, हाँ, यही तो मैं सोच रहा था कि 3 गिलास पीने में हाल थे तो 6 गिलास वाले का क्या हाल हुआ होगा, यही तो मैं सोच रहा था। फिर बोले, राजा, गलती मेरे से ये हुई कि तुमको मैंने दवा पिलाई, किसी लंबे उम्र वाले को दवा पिलाता तो बहुत दिन तक उसका असर रहता, इस दवा का असर तो आज के 8वें दिन खत्म हो जाना है, दवा बेकार चली जाएगी क्योंकि आज के 8वें दिन तू मर जाएगा। राजा बोला, है मर जाऊंगा, बस मेरी उम्र अब केवल 8 साल ही बची है, अरे मैं मर जाऊंगा। हाँ राजा, तेरी मौत आ जाएगी और ये तेरा शरीर ऐसे धड़ाम से गिर जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी, घर में देर तक लोग रखेंगे भी नहीं, ले जा करके जला देंगे। राजा बोला, महाराज जी तब? अरे बोले, बता तब रहा हूँ। तब चरणों पर गिरा, कहा, आखिर क्या होगा फिर? अरे सुन लो, क्या होगा, राजपाट का क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा? बोले, अपने प्रारब्ध से वो खाएंगे। अब आप सोचो राजा, ये तुम्हारे काम आएंगे बाल बच्चे? नहीं काम आएंगे, ऐसे समझो मरने के बाद तुम्हारे काम आएंगे, या मौत जब आएगी तकलीफ होगी
तो तुमको बचा पाएंगे? बोले नहीं बचा पाएंगे। तुमने मरते हुए किसी को देखा? बोले दादाजी को देखा, पिताजी को देखा। तो पिताजी को तुम बचाए? नहीं बचा पाए। तो राजा सोचो कि तुम्हारे बच्चे और परिवार और प्रजा तुमको बचा पाएंगे, मौत जब आ जाएगी तब। और ये जो शरीर को चलाती है जीवात्मा, राजा सोचो ये कहाँ जाएगी, इसका क्या हाल होगा? तब बोले अब महाराज बताओ, तरीका बताओ, अब क्या करें? तब बोले बस अब नशा तुम्हारा मौत को सुनते ही उतर गया, कहाँ पारा था और कहाँ नीचे आ गया। अपने को तुम राजा समझते थे और अब चरणों पर गिर पड़े, नशा उतर गया। तो राजन, मैं मौत को हमेशा हथेली पर रखता हूँ, तो सोचो मुझको कहाँ से नशा आएगा। तो कहा गया मौत को हथेली पर रखो, मौत कब आ जाए इस बात की फिक्र करो, चिंता करो कि मौत अगर आ गई, शरीर छूट गया, तो ये जीवात्मा कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे होगा इसका। और आइए समझो कि फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, इसलिए कुछ करना चाहिए, जीवात्मा को जगाना चाहिए, ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ से ये वापस ना आवे। तो आप लोगों को रास्ता मिल गया, जीवात्मा को वहाँ पहुँचाने का भेद मिल गया। अब आप लोग उस रास्ते पर चलो, यहाँ से जाने के बाद नियम बनाओ। जब नियम बनाओगे कि बैठेंगे परिवार वालों के साथ बैठेंगे घर में, बाहर में कहीं सत्संग होता हो, ध्यान भजन होता हो, तो वहाँ जाकर बैठेंगे, नहीं अपने ही घर में अन्य लोगों को बुलाएंगे, साथी बनाएंगे, कई लोग साथ बैठेंगे जब, तब नहीं उठ पाएंगे। और नहीं तो मन ये गर्मी ठंडी का असर जता देगा, मन ये खाने पीने की तरह चला जाएगा और शरीर को उठा देगा, तो वो समय निकल जाएगा, निकला हुआ समय फिर वापस आता नहीं है। इसलिए यह नियम बनाओ। बहुत से गांव में, शहरों में भी, मोहल्लों में भी अपने आश्रम जहाँ पर बने हुए हैं वहाँ पर भी सुबह शाम नियमित रूप से जाते हैं, लोग करते हैं। अब ऐसा भी नियम बनाने की ज़रूरत है कि जो नामदानी हैं और ऐसी जगहों पर नहीं जाते जहाँ ध्यान भजन होता है, या अपने आश्रम हैं जहाँ पर ध्यान भजन नहीं होता है, ध्यान भजन होता है, ध्यान भजन जहाँ होता है, अन्य समझो कि वहाँ पर एक आध आदमी को ले जाएंगे, जब वो जाने लगेंगे उनकी भी आदत बनेगी, है नहीं पूरे टाइम तक बैठ पाएंगे, थोड़े ही टाइम तक बैठेंगे, बैठने की आदत तो बनेगी आप समझो। इसलिए यह भी सोचो कैसा भी हमको करना है। देखो पशु पक्षी परोपकार नहीं कर सकते, परोपकार किसको कहते हैं, दूसरे की मदद। और इस तरह का परोपकार कि उससे हमको इच्छा न रखें, किसी को खिलाऊं तो ये न सोचें हमको खिलाएगा, या किसी को कोई चीज़ दे दें तो सोचें न कि फिर हमको वापस करेगा, या इसके बदले में हम इनसे कोई काम लेंगे, ये हमारे मुरीद बन जाएंगे, भगत बन जाएंगे। ये अगर सोच लोगे मुरीद भगत बन जाएंगे, इनसे काम लेंगे, हमको खाएं खिलाएंगे, तो परोपकार नहीं माना जाएगा। परोपकार तो कहते हैं कि नेकी करो, भार में डालो। भार में डालने मतलब क्या होता है कि समझ लो ये हमारी चीज़ जल के राख हो गई, उसको वो भूल जाता है, नहीं रह गई हमारी चीज़, ऐसे ही समझो। कि यानी परोपकार किया तो समझ लो कि अब ये इसका हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा,
यह हमारा अन्य समझ लो कि हमको अपना उपकार इनसे नहीं कराना है इसके बदले, तो वो है परोपकार। तो मनुष्य ही एक परोपकार ऐसा कर सकता है। अब रोटी भूखे को खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, तो वो परोपकार होता है। और जीवात्मा को भोजन करा दो तो सबसे बड़ा परोपकार होता है वो, क्योंकि जीवात्मा का भोजन बहुत दिन हो गया मिला ही नहीं, जब से ये सतलोक से नीचे उतरी। कितने सतलोक चतुर्थ द्वापर कलयुग बीत गए, लेकिन किसी भी युग में इसको भोजन नहीं मिला, तो ये भूखी है। जब जीवात्मा को शब्द का आहार मिल जाएगा, ये खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। अब दूसरे को भोजन अन्य समय लोग कराओगे तो उसका फल मिलेगा, तो आपका काम बनेगा। और उसकी जीवात्मा शब्द को पकड़ेगी तो उसका भी काम बनेगा, वो परोपकार होगा। बराबर समझाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। कान अच्छे रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन के हुई, चंदन बहुत ठंडा होता है लेकिन रगड़ते रहते हैं तो उसमें भी आग निकल आती है। इसलिए लगे रहो, परोपकार में भी लगे रहो। अब इन परोपकार में, भजन ध्यान में, प्रार्थना करने में, सत्संग सुनने में अगर मन नहीं लगता है तो समझ लो कि कर्म सिर पर सवार हैं। और कर्मों को अगर काटेंगे नहीं तो ये तकलीफ देंगे। जैसे सिर पर बोझा रख दो और उसको उतारो ना तो दबे रहोगे। ऐसे ही बोझा उतारना जरूरी है, कर्मों का बोझा उतारना जरूरी है, काटना जरूरी है। तो उसके लिए सेवा का विधान बना दिया, सेवा करो, प्रचार प्रसार करो, लोगों को बताओ, समझाओ, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, अन्य समय लो बना के दूसरे को खिलाओ, कार्यक्रमों में जहाँ भी कार्यक्रम आयोजित हों वहाँ पहुँच करके शरीर से सेवा करो, प्रचार प्रसार में निकल करके सेवा करो, तब कर्म कटेंगे, तब मन लगेगा। देखो, खूब सुना आपने, अब ज़्यादा सुनोगे तो भूलने लगेगा। जो आपने सुना अब वापस जा रहे हो उसको ढूंढना, ढूंढना किसको कहते हैं? जैसे रुई ढूंढते हैं ना, तो जितने कहते हैं रुई ढूंढते हैं उतने ही अन्य समय लोग की गर्म हो जाती है, उसका पावर बढ़ जाता है। ऐसे सोचते जाओ, विचार करते जाओ, कैसे लागू करें, कैसे क्या करें, कैसे किसको बताऊं, क्या क्या बात बताया गया, तो उससे काम बनेगा। अन्य समय लोग के बहुत से लोग तो आते हैं और सत्संग सुनकर जाते हैं, लोग पूछते हैं क्या बताया, बोले भूल गए, नहीं मालूम है। तो आए इतना दिन रहे तो ऐसे अगर भूल जाओ तो फायदा क्या निकलेगा? भोजन तो आपने घर पर भी किया होगा, सोए वहाँ भी हो गए, भोजन किया सो गए और चले गए, क्या मतलब निकला? इसलिए बात को पकड़ना चाहिए, बात का उपयोग अपने ऊपर करना चाहिए, जो बताया जाए अपने ऊपर घटाना चाहिए, दूसरों को घटवाना चाहिए, तब विश्वास होता है आदमी को, नहीं तो विश्वास ही नहीं होता। तो वो था ना एक सेठ, सत्संग सुनने जाता था, तो एक दिन उसके लड़के ने कहा पिताजी हम चले जाएं सुनियों में, बोले चले जाओ। गया, सत्संग सुना, सब परोपकार की बातें और बातें सब बताई जा रही थी, उस दिन बताई गई थी। सुबह जब गया दुकान खोला तो दुकान लगा दिया, राशन पानी रख दिया सब, चोकर था उसके पास, चोकर किसको कहते हैं, गेहूं का मोटा आटा होता, बड़ा फायदेमंद है,
मोटे आटे की रोटी खाओगे पेट साफ हो जाएगा। जब से फैक्ट्रियां चली, मैदा बनने लग गया और ये पतला आटा बनने लग गया, तब से देखो पेट अक्सर लोगों का खराब होने लग गया, क्योंकि पतले आटे की रोटी ये चिपक जाती है आटों में, और वो क्या करते हैं आटों में, यानी मोटा आटा क्या करता है, आटों में जो मल होता है उसको निकाल देता है। मोटा आटा का रोटी बहुत फायदा करता है चोकर का, लेकिन जबान के ऊपर जो है वो रगड़ता है, वो थोड़ा मोटा होने के नाते तब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और मुलायम चीज चाहते हैं बढ़िया है, मुँह में रखो, आलसी भी हो गया आदमी, कोई मुँह में रखे ऐसे रख दे और खा ले तो और अच्छा है, और तो मजबूरी है, नहीं तो अन्य समझ लो कि दूसरा खाता और खाना भी न पड़ता, इतना आलसी हो गया। तो अब आप ये समझो कि ऐसी व्यवस्था बन जाए कि दूसरा खा ले और पेट भर जाए तो कुछ करेगा ही नहीं। तो आप ये समझो कि चोकर ज़्यादा मोटा जब हो जाता है तो जानवरों को खिलाते हैं, तो जैसे रख दिया दुकान के बाहर, ढेर लगा दिया, एक भूखी गाय आई, उसे मरा मुँह से खाया, ले लिया आटा, खड़ी होकर खाने लगी, लड़का कुछ नहीं बोला, देख रहा है, सोच रहा है बहुत भूखी है, पेट चिपका हुआ है इसका, दुर्बल है, चलो खा लेने दो। फिर दोबारा जब खा चुके तो फिर ऐसे मुँह लगाया, तब तक वो दुकानदार सेठ जिसको कहते हैं निकल पड़ा, अंदर से दुकान की तरफ आया, तो सबसे पहले तो उसने लठ उठाया और गाय को मार करके दूर छोड़ करके आया बड़बड़ाता हुआ, और दुकान पर जब पहुंचा तो थोड़ा पारा और हाई हो गया, नालायक सत्यानाशी, खिला दिया, देख रहा है कि गाय खा रही है, हटा नहीं रहा, अंधा हो गया। जब थोड़ा पारा डाउन हुआ तब कहा, पिताजी अपने पास बहुत है, आप क्यों बार बार कहते हो कि क्यों खाने दिया, देखा नहीं। अरे खा लेने दो, भूखी थी, खा लिया तो कौन कम होने वाला है, तमाम माल पड़ा हुआ है, कोई कमी है, तमाम ब्याज आ रहा, तमाम यानी बिक्री हो रही, तमाम वो है, पिताजी कोई कमी नहीं है, खा लेने दो, क्या हुआ। यह तूने सीखा कहाँ से, यह अकल तुझको कहाँ से आई, बोल 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 अकल कहाँ से आई। बोला पिताजी कल सत्संग में गए थे तो ये बात बताई गई थी कि भूखे को खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना पूरी का काम होता है, नाश कर देगा तू, 40 साल से सत्संग सुनने के लिए जाता हूँ, एक बात भी वहाँ के यहाँ तक नहीं लाया, वहीं पलड़ा झाड़ के चला आया, और तू सत्यानाशी लड़का वहाँ की बात यहाँ ले आया, तो ऐसा ना हो यहीं छोड़ के चले जाओ। इसलिए आज याद दिला दिया, आपके चलते चलाते बहुत से लोग चले गए, और आप भी चलने की तैयारी में हो, क्योंकि ये चली चला का बेला है, ऐसे ही आपको सोचना है, पता नहीं कब चलना पड़ जाए, फिर दोबारा इस धरती पर पैर न रखना रह जाए, इसलिए बातों को याद रखने की जरूरत है। तो देखो वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम यहीं पर होगा, उसकी अभी से सब लोग तैयारी करो, तारीख आपको बता दूंगा, 3 दिन का होगा, तारीख कब से कब तक, तो कहने को तो 3 दिन रहता है, लेकिन 4-5 दिन 6 दिन हो जाता है, क्योंकि पहले से शुरू हो जाता है कुछ न कुछ, और देखो आज भी हो जाए तो चाहे थोड़ी ही देर हुआ, तैयारी करो, जिम्मेदार लोग और आप प्रचारक लोग और आप जो प्रेमी आए हो, आप सब लोग कोशिश करो कि गुरु महाराज के भंडारे का प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने अपने हाथों से, और सत्संग सुन लें, जिनको नामदान नहीं मिला है नामदान ले लें, बराबर इस चीज़ की कोशिश करो।
गुरु महाराज भी संकेत दिया करते थे, और जब यानी कार्यक्रम खत्म हुआ करता था तब कहा करते थे, प्रेमियों जाओ अब धर्म करो घर की तरफ और जाओ। लेकिन जब अब दोबारा आना तो स्वामी जी तो टारगेट भी रख देते थे कि एक आदमी 50 आदमियों को लाना, एक आदमी 20 आदमी को लाना। तो आप भी अपना अपना टारगेट बना लो, मैं टारगेट नहीं देता हूँ, आप अपना टारगेट बना लो, यहीं गुरु महाराज से प्रार्थना करके जाओ कि हम 5 जीवों का, 10 जीवों का, इतने जीवों का भला कराएंगे, हम उनको समझा करके लाएंगे, सत्संग सुनवाएंगे, नामदान दिलाएंगे, भजन कराएंगे। तो अब आप ये समझो कि स्थान का महत्व भी होता है, जहाँ पर ध्यान भजन लोग करते हैं, जहाँ पर लोगों के अंदर भाव भक्ति रहती है, परमार्थी भाव रहता है, जहाँ गुरु के आदेश का पालन होता है, वो स्थान भी महत्वपूर्ण रहता है। आप समझो कि शमशान घाट पर लोग पूजा पाठ करने के लिए, यज्ञ हवन करने के लिए नहीं जाते हैं, खुद जाता भी है तो भूत को जगाने के लिए जाता है। लेकिन जो मंदिर कहलाते हैं यानी वहाँ पर लोग जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, चाहे वहाँ शक्ति हो न हो, लेकिन स्थान का महत्व रहता है। मंदिर में मूर्ति न भी हो, मंदिर के देवताओं से कुछ लाभ मिले न मिले, लेकिन मंदिर देख करके और लोग सिर हिला देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं दूर से ही, यह भारतीय संस्कृति रही है, यह परंपरा रही है, तो स्थान का भी महत्व होता है। आप देखो दिल्ली में श्रवण कुमार जब पहुंचा अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ कराते हुए, वहाँ जब पहुँचा तो ज़मीन का इतना असर हुआ कि वो बोलने लग गया कि तुम लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में बीत गई, मैं तो आगे कुछ सोच नहीं पाया, कर नहीं पाया, आगे गृहस्थी नहीं बढ़ा पाया। तो माँ ने सोचा क्या हो गया इसको, लेकिन पिता यानी बहुत समझदार थे, बोले बेटा कहाँ पर हो, तो बोला दिल्ली में। तो बोले अच्छा ऐसा करो कि ले चलो हमको यहाँ से और दूसरी जगह का छोड़ दो, वहाँ पर हम रह जाएंगे कहीं और तुम जाओ अपनी ज़िंदगी बनाओ, तुमको हम फ्री कर देते हैं। वहाँ से लेकर के जब उधर दिल्ली के बाहर गया, ब्रजभूमि पर पहुँचा और फिर रखा सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे, तब पूछा, पिता ने पूछा बेटा कहाँ पहुँचे, बताया दिल्ली के बाहर इधर ब्रजभूमि पर हैं। बोले तब यहीं छोड़ दो, अब तुम जाओ, हमको चलो कोई मंदिर हो नज़दीक में, कोई मठ हो, कोई धार्मिक स्थान हो, वहीं पर छोड़ दो और तुम जाओ अपनी ज़िंदगी बनाओ, बेटा बहुत सेवा किया तुमने। तब कहता आप मेरे भगवान हो, माता पिता ही नहीं, माता पितर देवो भव, आप तो देवता हो, भगवान हो, आपको कहाँ छोड़ सकता हूँ, क्या ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा, जब तक आप जिंदा रहोगे सेवा करूँगा, जब तक मैं जिंदा रहूँगा आपकी सेवा करूँगा, आप दोनों को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो अम्मा ने पिता से पूछा इसको वहाँ क्या हो गया था, बोले भूमि का जमीन का असर हो गया था, अन्न का भी असर होता है। भीष्म पितामह बाणों के शैया पर लेटे हुए थे, ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, तो द्रौपदी ने हंस दिया, बोले क्यों हंस दिया, द्रौपदी बोली ऐसे ही हंस दिया, बोले नहीं ऐसे हंसती नहीं है तू, तेरे हंसने में राज हुआ करता है, हंस करके तो तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंस रही है। तब बोली कि जब दुशासन मेरी चीर खींच रहा था, सभा में मुझको नंगी कर रहा था, तो आप भी वहाँ पर विराजमान थे,
लेकिन उस समय आप उफ तक नहीं बोले, और मरते समय जब आप तीर के ऊपर लेटे हुए हो, तीर चुभ रही है, आपको मालूम है कि अब यह प्राण निकलने वाला है, शरीर छूटने वाला है, तो आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, ज्ञान का उपदेश कर रहे हो। तो यह ज्ञान आपका उस समय कहाँ चला गया था जब हमको वो नंगे कर रहा था? तब भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो अन्न का भी बड़ा दोष होता है, बचना चाहिए अन्न दोष, संग दोष से बचना चाहिए। अगर अच्छे का साथ मिले तो अच्छाई आती है, बुरे का साथ मिल जाए तो कितनी भी अच्छाई होती है कुछ न दिन में खत्म ही हो जाती है, क्योंकि बुरे गुण आने लगते हैं और बुरे गुण जब आने लगते हैं तो वो अच्छाइयों को ख़त्म करते हैं। जैसे गंदगी को साबुन साफ करता है, ऐसे समझ लो कि जो ये कालिख है, कहते हैं ना कलंक है, कलंक ही होता है ये, गलत काम करते हैं, कलंक न बनो, गलत काम न करो। तो अब आप ये समझो कि उसका जब अनुकरण नकल करेंगे तो वो अच्छाइयों को काट के ख़त्म कर देगा। तो उसी तरह से यानी समझ लो हो जाएंगे, जैसे मतलब यह है कि वो हो जाता है जिससे वो रहता है, बुरा आदमी रहता है। इसलिए साधक ने सदगुरु से मांगा, साध संग मोह देव नित, परम गुरु दाता यह मेरे मालिक, यह मेरे सदगुरु, यानी साथ दो। किसका? साधक का, कि जिससे मैं भी साधना सीखूं, मैं भी साधक बन जाऊं, मेरी भी तरक्की हो जाए, यानी ये सदगुरु से मांगता है साधक। तो हमेशा दीनहीन बन करके यानी समझ लो सदगुरु से इन चीज़ों को मांगते रहना चाहिए। हाँ ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए, कि दरवाजे पर कोई आ जाए भूखा न चला जाए, और मेरा और मेरे आश्रित परिवार के लोग जो बच्चे लोग हैं उनका भी पेट भरता रहे। यानी समझो हमको ऐसी चीज़ों को नहीं मांगना है कि जिसमें हम फंस जाएं, ऐसी आदत नहीं डालनी है कि जिसमें हम फंस जाएं, जो हमारे सामने से छिन जाए। अभी ज़्यादा मिठाई खाने लग जाओ, ज़्यादा चिकनी चुपड़ी खाने लग जाओ तो तकलीफ बढ़ेगी, तो डॉक्टर मना कर देगा कि देखो अब भोजन खाना बंद कर दो। तो जो भोजन मिल रहा था वो भी बंद हो गया, रोटी मिल रही थी वो भी बंद हो गई, तो क्या कहते हैं डॉक्टर, सूप पियो, उबली हुई सब्जी खाओ, फल खाओ, अन्न भी बंद करा देते हैं। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि कबीर अपने भगत को रूखी रोटी दे और चुपड़ी मांगत मैं डरू रूखी छीन न ले। उन्होंने कहा यह भी न छीन जाए। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वार खड़ा, मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मोहि दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मैं
मेरी तड़प उठी अमाय दरस को तरस रहा बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहाव सुरती भी गए अमीर सधार तन मन होए मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मैं निश्चय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो दर प्यार गट उमगाओ दया स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय